एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल की भी समाअत हुई। ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत 19 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी पर बात करेंगे सकलैन जावेद से। सकलैन, तफसीलात से आगाह कीजिए। आपको आगाह करते चलें, एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की भी समाअत हुई और ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में मज़ीद तौसी कर दी गई है। अदालत ने केस की समाअत को 19 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे सकलैन जावेद से। जी सकलैन, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी, आज एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूप आशियाना इकबाल स्कैंडल, रमजान शुगर मिल और पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केसेस पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के जुडिशियल रिमांड में तौसीक करते हुए 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जबकि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा को जाने की इजाजत दे दी है और कहा है कि इस केस पर मजीद कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। आज ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत के रूबरू पेश हुए तो अदालत ने उनके जुडिशियल रिमांड में 15 रोज की तौसी करते हुए मजीद समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से केस पर भी समाअत हुई, जिसमें अदालत की तरफ से समाअत को मुलतवी कर दिया गया है 19 मार्च तक के लिए। सकलैन, बहुत शुक्रिया।